हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अभी मैं किचन में हूँ, खाना बन रहा है। और आज हम लोग जाने वाले हैं दीदी फ्रेंड के घर। तो यहाँ पे राइस, दाल और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ मैं, आलू काट रही हूँ। और बाहर का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और ये है मायरा, गुड जॉब। अभी टाइम हो रहा है 11:30। आज सुबह मायरा उठी काफ़ी लेट, 11 बजे के बाद उठी है, तो अच्छा है ना कि कहीं जा रहे हैं तो उसका नींद एकदम पूरा हुआ। तो भी मायरा के लिए मैंने ओट्स बना दिया, वो ठंडा हो रहा है। जब तक ठंडा हो रहा है मैं आलू काट के आलू की भुजिया बनाऊंगी। बस बहुत ज़्यादा खुश है हम लोग। और तो मैं आलू की भुजिया पहले चढ़ा देती हूँ, मायरा को खिला देती हूँ, फिर बात करते हैं आप लोगों के साथ। और आज मैं अपना जो मेकअप करूँगी वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बहुत सिंपल सा करूँगी। और आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी। मुझे बहुत दिन हो गया है मैंने साड़ी नहीं पहना है, मौसम भी अच्छा है और अब पहले वाला जो ब्लाउज़ वगैरह है मुझे फिटिंग भी आता है काफ़ी अच्छी तरह से, एकदम टाइट नहीं होता है, हल्का बहुत लूज़ हो रहा है, बट इट इज़ गुड है, तो मैं पहनूँगी। चलिए मैं मिलते हैं मायरा को खिलाती हूँ उसके बाद। ओके गाइस, अभी जो है हम लोग को लंच हो गया है, अभी टाइम हो रहा है 2:30 के लगभग। अभी 3 बजे हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। लंच मायरा को भी मैंने करा दिया, बट मैंने इसको ना थोड़ा सा मतलब लाइट कराया, चावल ही खिलाई हूँ मैं, बट जितना खाती है थोड़ा सा कम खिलाया उसको, क्योंकि ट्रैवलिंग में हो सकता है ना कि बॉडी थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करे। वैसे हम तो अपने कार से जा रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट थोड़ा सा कम दिया है मैंने मायरा को। और यहाँ पे कुछ सामान मैंने रखा हुआ है जो मुझे, जो मेरा हैंड बैग होगा मैं उसमें कैरी करूँगी। मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है इसमें। ये जो है मायरा का वेफर्स हैं, स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज फ्लेवर का, इवनिंग स्नैक्स के लिए। वैसे उनके घर में तो इवनिंग स्नैक्स होगा, बट अगर मायरा को कुछ खाने का मन नहीं किया तो मैं ये ऑफर दे सकती हूँ जो मायरा को अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने लिया है ओट्स। ओट्स इसलिए नहीं हूँ क्योंकि सुबह का जो स्नैक्स है ब्रेकफास्ट, मायरा को ओट्स बहुत ही अच्छा लगता है, दूध के साथ, चीनी के साथ मैं उबाल के दे देती हूँ। और ओट्स ना अच्छा भी होता है पेट के लिए, हैज लॉट्स ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन भी है, तो वो भी अच्छा है। और एक चीज़ मैं शेयर बोलूँगी आप लोगों को, अगर आप लोग ऐसा लग रहा है कि ओट्स बच्चे को देना नहीं चाहिए, ओट्स जो है वो लो कैलोरी वाला है, तो लो कैलोरी वाला फूड जो है वो खाना बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है। अगर इसमें आप फुल क्रीम, दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, किशमिश हो, काजू हो, आमंड हो, ये सब डाल के अगर देंगे तो वो कैलोरी में ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है ये फाइबर है इसमें बहुत ज़्यादा, तो बच्चे के पेट के लिए भी अच्छा है। और मैंने यहाँ पे छोटू सा एक डब्बा में मैंने गुड़ ले लिया है। ये गुड़ जो है ना, ये गुड़ आता है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो पाउडर फॉर्म में है गुड़, मायरा को मैं आफ्टर लंच और जो डिनर है उसके बाद मैं गुड़ देती हूँ। गुड़ क्या करता है ना, जो डाइजेशन पावर होता है उसको बहुत हेल्प करता है और बच्चे की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और यहाँ पे और एक डब्बा मैंने लिया, यहाँ पे थोड़ा सा भुना हुआ चना मैंने ले लिया है। और ऐसा नहीं है कि उनके घर में स्नैक्स नहीं होगा, आपको उनके घर में स्नैक्स होगा, बहुत अच्छा स्नैक्स होगा, आई नो एंड दे आर वेरी क्लोज टू अस, बट फिर भी बच्चे है ना, बच्चे का मूड पता नहीं कब मतलब ऐसी मूड उसका चेंज हो जाए, उसको कुछ खाने का मन नहीं करे, बट आई नो कि ये जो चीज़ है ये मायरा खाएगी, तब तभी मैं इसको दूँगी ना स्नैक्स के लिए, तो मायरा ज़रूर से खाएगी। और ये मैंने थोड़ा सा ग्लूकोन डी बोल के ले लिया है, ऑरेंज फ्लेवर का है। वैसे यहाँ से तो 1.5 घंटा लगेगा, पर फिर भी अगर मायरा को मैं बीच में थोड़ा सा रोक के एक सीट दे दूँगी तो उसका मुँह, जो मुँह का चेंज होता है ना, मुँह का टेस्ट वो अच्छा जाएगा, क्योंकि ऑरेंज जो है वो ऑरेंज फ्लेवर सबको अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा मैंने मायरा का क्रीम रख रही हूँ बेड में, और ये टावल मैं कैरी करूँगी बच्चे के साथ। अगर ट्रैवल अप कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, ट्रैवल या जर्नी कर रहे हो, थोड़ा सा आसपास में जा रहे हो, तो टावल, पानी, छोटा मोटा स्नैक्स हमेशा कैरी करिए, क्योंकि बच्चे को भूख लग गया, उसका मूड थोड़ा चेंज हो गया, उसका मूड डाइवर्ट करना है, ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, अभी मैं इसको लाइट वाइट सब बंद कर रही हूँ। नितीश, मायरा दोनों अभी रूम में हैं, सोना नहीं है, उन लोगों को थोड़ा सा रेस्ट करिए, मैंने बोला थोड़ा मायरा को थोड़ा सा लिटा दो 15-20 मिनट के लिए, उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों के साथ, मैं अभी मेकअप करूँगी और मैं आप लोगों को शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये वाला साड़ी तो मैं लेके जा रही हूँ, और मैं पहनने वाली हूँ आज साड़ी, ये वाला ब्लैक वाला साड़ी, ये मेरा बहुत 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 फेवरेट है। इसके
उसके साथ ब्लाउज लूँगी, स्लीवलेस वाला ब्लैक ब्लाउज है। तो पहले ही मैं मेकअप ट्यूटोरियल दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने ना कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक फ़ोटो डाला था मेरा, तो बहुत सिंपल सा मेकअप ही था, मैंने ब्लॉग के लिए ऐसे ही थोड़ा सा मेकअप किया थी। तो मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज आया था कि जो मेकअप लुक है शेयर करिए, तो उस टाइम तो हो नहीं पाया, बट आज मैं कर रही हूँ तो मैं शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ बहुत जल्दी। 10 मिनट्स में मुझे मेकअप करना है, बेसिक सा कुछ दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं फैन बंद कर देती हूँ तो आवाज़ नहीं आएगा उतना। तो सबसे पहले अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हो, मेकअप कर रहे हो, तो सबसे अच्छा है कि अपना चेहरे को जो है फेस वॉश से क्लीन करिए, उसके बाद स्क्रब यूज़ करिए। स्क्रब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप स्क्रब करेंगे जितना भी आपका डेड स्किन होगा वो चला जाएगा। आप समटाइम्स फील करते हो, मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है पहले जब मुझे नहीं आता था मेकअप करना, कि फाउंडेशन लगाने के बाद ना ड्राई पैचेस होता है आपके चेहरे पे, मतलब इवन टोन नहीं लगता है आपका स्किन, थोड़ा सा अजीब लगता है कहीं पे लगाए फाउंडेशन कहीं पे नहीं, इवनली नहीं लगता है। तो इसका कारण यही है कि आपका जो स्किन है उसमें डेड स्किन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है, पॉन्ड्स का जो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ वो, और उसके बाद मैं चारकोल वाला, मेरे पास गुड वाइब्स का एक स्क्रब है जो ऑलमोस्ट ख़त्म भी होने वाला है, उससे मैंने चेहरे को क्लीन कर लिया अच्छे से। मेरे चेहरे पर अब कुछ नहीं है। ये बायोटिक का टोनर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। बायोटिक का प्रोडक्ट तो अच्छा होता ही है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पहले ना जो क्यूकम्बर वाला आता था वो मैं यूज़ करती थी, बट ये हिमालय वाटर का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग है इसका फ्रेगरेंस। मैं ये यूज़ करी लॉरियल का फेस प्राइमर, प्राइमर पूरा चेहरे पर नहीं लगाऊंगी, ये और ये जगह पर ना मेरा, ये और ये जगह पे मेरा ओपन पोर्स होता है तो मैं इस साइड लगा रही हूँ, कभी प्राइमर पूरा चेहरे पे नहीं लगाया जाता है। और ये प्राइमर अगर आप चाहते हो तो खरीद सकते हो, दिस इज़ वेरी गुड। प्राइमर से क्या होगा ना, आपके चेहरे पे जो बेफालतू का स्वेट होता है ना, ओपन पोर्स हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, वो नहीं होगा, चेहरा पूरा इवन स्किन होगा, तो मेकअप जो है बहुत अच्छे से लगेगा। मतलब वहीं पे लगाइए जिस पे आपको लगता है कि आपका स्किन से ऑयल ज़्यादा रिलीज होता है, जिस जिस जगह से, बस वहीं पे लगाना है। तो प्राइमर लगाने के बाद ना मतलब बहुत अच्छा लगता है, ये साइड वाला स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाता है, लगा लिया। और सबसे ज़्यादा और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है मेकअप का, वो है ना, ले लिया मैंने, अगर आप मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाओगे तभी आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड हो पाएगा पूरा चेहरे पे, नहीं तो ड्राई हो जाएगा, अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। लॉरियल का फिट मी ये भी थोड़ा सा लगाऊंगी, ये सुपर स्टे यूज़ कर रही हूँ, ये सुपर स्टे है मेबलिन का, ये बहुत ज़्यादा वो देता है, कवरेज देता है, पर थोड़ा सा ड्राई टाइप के है, तो मैं दोनों मिला लूँगी एक साथ में। और इसको मैं ले रही हूँ एक, ये बहुत ही इतना सा ले रही हूँ क्योंकि इसका ना जो कवरेज है ये बहुत ज़्यादा है, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो वो लगेगा चेहरे पर ना। तो यहाँ पे स्पॉट है, ढक गया ये स्पॉट मेरा। इसके बाद ये ब्यूटी ब्लेंडर है, जा रहे हो मॉल वगैरह जा रहे हो उसमें तो उतना ज़्यादा फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, बस तो थोड़ा सा चेहरा जो है वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाए ये काफ़ी है। ठीक है, इफ़ यू वांट तो आप वो लगा सकते हो कंसीलर, बट मेरा डार्क सर्कल्स है नहीं तो ज़रूरत नहीं है,
और जैसे मैंने बोला है जितना कम हो सके वो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। और एक चीज़ ज़रूरी है वो है यहाँ पे फिट मी कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो ये ख़त्म हो गया। दिस इज़ वेरी गुड कॉम्पैक्ट, बहुत अच्छा है, इसका प्राइस भी रिजनेबल है, बाकी सब अच्छा अच्छा ब्रांड्स है। ये इसलिए मैं लगा रही हूँ क्योंकि आपका मेकअप जो है ना वो थोड़ा सा सेट हो जाए, स्पेशली जहाँ पे आपका सोइट होता है उस जगह पे आप लगाइए, बस काफ़ी है यार, और नहीं चाहिए कुछ। जो भी हो ये मेबलिन का जो है ना न्यूट पैलेट है, तो मैं इसमें से ये डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ, ब्लैक नहीं करना है आईब्रोज को, ब्लैक करोगे तो बहुत मतलब दिखने में ख़राब लगेगा। ये ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैक जो है उसका हल्का शेड लेना है, लाइक जो ब्लैक है, और हमेशा ब्रश को ऐसे झाड़ लेना ताकि जो ये है ना वो ना लगे। बस इतना ही लेना है, उसके बाद अगर ब्रश में है ज़्यादा तो उसको पोंछ लेती हूँ मैं। फिर ये जो डार्क ब्राउन वाला है इसमें मैं ले रही हूँ, यहाँ से शुरू करना है। मेरे पास ना छोटा वाला मीटर है बट मुझे वो निकालने का मन नहीं करे क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में हूँ मैं, तो फिर से लेके जो ये वाला है ना यहाँ से शुरू करना है। थोड़ा सा आउटलाइन कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो ब्रश है इसको थोड़ा सा पोंछ लीजिए किसी भी जगह में। अब जो ये वाला पोर्शन है इससे इसको ब्लेंड कर दीजिए अच्छे से ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे करिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अब ये, है ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि आईब्रोज कोई ड्राइंग किया है, ऐसा लग रहा है आपका शेप ही ऐसा है। ठीक है, कितना जल्दी हो गया। अब ये वाला ब्रश थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ मैं, हो गया। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफाइन करना चाहते हो अपना आईब्रोज को तो उसका भी एक उपाय है, फाउंडेशन ले लीजिए, एक ब्रश ले लीजिए ऐसा। आज मुझे ना डार्क बनने वाली है, बस जितना कम हो सके। तो यहाँ पे जो ये वाला शेड है ना एकदम न्यूट वाला जो है इस पर लगा लूँगी, ये थोड़ा सा मतलब ड्राई हो जाए, इसमें फाउंडेशन तो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, मतलब ड्राई मतलब सेट हो जाइए। बस हो गया आई मेकअप। अब मैं यूज़ करती हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट है लैक्मी का, इससे ना मुझे लगाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप अपना मनपसंद ये कर ले सकते हैं।
गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और ये है मेरा फाइनल लुक। पता ना कैसे लगी, बहुत दिन बाद मैंने साड़ी पहना है और मुझे साड़ी इतने ज़्यादा पसंद है ना, मैं पूरा दिन साड़ी पहन सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा समझिए। और नितीश अभी कुछ काम कर रहे हैं, वो गाड़ी का इंश्योरेंस का पेपर निकालना है। और मायरा पहनी है ये मानता, हम लोग घूमने जा रहे हैं ना। नीनी आ रही है, गाड़ी में जाके सो जाएंगे। तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ मैं गाड़ी में। ओके गाइज, हम लोग निकल चुके और अभी पेट्रोल पंप पे आए हैं हम लोग तेल भराने। मायरा तो सामने बैठती है जनरली, और आज भी बैठी थी सामने लेकिन आ गई है पीछे क्योंकि मास्क बार बार खोल दे रही थी अपना। तो कोई चाहिए कि उसको मास्क, और छोटा कोई मास्क ना थोड़ा पहना के रखूँ। मैं भी पहनी हुई थी, अभी जस्ट खोली हूँ ताकि मेरा आवाज़ जो है वो क्लियरली आए। मेरा बाल कोई नहीं सेट कर दे रही हूँ मायरा। अभी ना जैसे गाड़ी चलेगी चुके हैं। और ए मानतू, काफ़ी देर हो गया, घर पे आ गए हम लोग। दोपहर में आ गए थे 3 बजे। फिर मैंने मायरा के लिए, हम लोग लंच करके आए थे बट मायरा के लिए उपमा बनाना था, मैंने उपमा बना दिया था। फिर थोड़ा देर सो गए, फिर ये बात में इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था मायरू। फिर उसके बाद ना चाय और मैगी बनाए थे नितीश ने, और मैं बाहर जाके सब्जी, मम्मी बाहर जाके मैं थोड़ा सा सब्जी कुछ खानी और थोड़ा सा दूध में था, दूध लेके आई। दूध लेने के बाद लाइट का थोड़ा, हाँ तो फिर तो बाहर जाके मैं सब्जी और दूध लाई थी, दूध नहीं था घर पे, और इतना होता है देखा था, मुझे चाय पीने का मन कर रहा था अदरक इलायची वाली। तो जो भी मैगी चाय नितीश ने बनाए थे, और फिर खाने के बाद इतनी ज़बरदस्त वाला नींद आ रही है मुझे, अब मन भी नहीं कर रहा कि खाना बनाओ। हाँ मायरा भी खाई थी मैगी, और मैं मंदिर गई थी ना, मंदिर यहाँ पे मंदिर में थोड़ा सा सब्जी मंडी लगती हूँ, वहाँ से काफ़ी सारा सब्जी लेके आई हूँ फ्रेश, वहाँ से काफ़ी सारा सब्जी लेके आई थी फ्रेश सब्जी। और उसमें से कुछ सब्जी ऐसा लाई जो नितीश का फेवरेट, सभी फेवरेट्स हैं वो, नितीश से मिला के मैं बनाऊँगा वो, और दाल तुम कुछ मत करो, तुम वेस्ट करो, भगवान करे ऐसा पति सबको मिले। पापा कितना अच्छा मैगी बनाए थे ना। नो ड्रामा किस बात का इतना ड्रामा करो आजकल ना, ऐसे सीखी है उल्टी टाइप की करती है, पता नहीं कहाँ से सीखी है। दिखाओ दिखाओ, आ आ आ आ, कहाँ से सीखे हो ये सब, कहाँ से सीखे हो। पहले मुझे लग रहा था इस पे खांसी हुआ है, 2-3 दिन से ऐसा सीखी है मायरा। तो मैंने कल सोने के बाद मैंने चेस्ट में कान रख के, अपना हाथ रख के काफ़ी देखा मायरा का, उसमें से कुछ भी कफ नहीं है, फिर भी मैंने आज सुबह कफ से जब दिया था। बच्चे ना एक एक से एक ड्रामा सीख जाते, कभी और उससे परेशान होते, उससे मम्मी पापा।
तो जो भी हो दोस्तों, मैं वीडियो को कर रही पर एंड। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट येट। मेरे चेहरे का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैंने सुबह फेस वॉश किया था, उसके बाद से फेस वॉश भी नहीं की। सुसु लगाए। वेट। और मायरा को मैं गई थी वॉशरूम लेके, उसको टॉयलेट जाना था, उसको टॉयलेट जाना था। और अच्छा लगा, काफ़ी दिन बाद हम लोग घर से निकले, हमारी फ्रेंड्स के घर गए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उनके घर पे भी एक बच्चा था, तो मायरा शी ऑल्सो इन्जॉय द लव। तो ठीक है, वीडियो को कर दी मैं पर एंड। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट येट। और मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी एक नया वीडियो के साथ, एक नया खूबसूरत दिन के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, खुश रहिए, सबको खुश रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।